जमुई झाझा से वीरेंद्र कुमार की एक मार्मिक रिपोर्ट। संजली कुमारी जो आगरा की लड़की थी, 10 साल की थी, उनकी निर्मम हत्या की गई। ऐसे में झाझा के युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर उनको एक तरह से श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, रेप का मामला पूरे देश में बहुत तेजी से बढ़ा है। आखिर हमारा समाज जा कहाँ रहा है? क्या ऐसी पीढ़ी हम अपने समाज को देना चाहते हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे में बेटियां पढ़ेंगी कैसे, बेटियां बढ़ेंगी कैसे, जब समाज में खुलेआम रेपिस्ट घूम रहे, बलात्कारी घूम रहे। कानून को भी चाहिए ऐसे बलात्कारियों को सख्त से सख्त सजा दे, ताकि समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन सके। हम बात करना चाहेंगे, यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता है, सबों के जुमा पर एक ही बात है कि हत्यारे को, उन पापियों को कड़ी से कड़ी और फांसी की सजा दी जाए। मैं बात करना चाहूँगा लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे संगठन के कार्यकर्ता हैं। दर्शकों, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये जो सवाल है, ये जो मुद्दा है, तमाम युवाओं का, पूरे देश का मुद्दा है, पूरे माँ बहन का मुद्दा है। हम बात करना चाहेंगे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उदय जी हैं, अरविंद जी हैं और राजू जी हैं, मनोज, बहुत सारे लोग, मैं किन किन का नाम लूँ, अगर नाम गिनाना शुरू करेंगे दर्शकों एक घंटा लगेगा। मैं बात करना चाहूँगा उदय जी से, राजू जी से। राजू जी, थोड़ा सा बताएं प्लीज। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हत्यारा जो खुले आम घूम रहा है, संजलि के जो हत्या हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत सरकार ने उदय जी दावा किया। और आप आज हम लोग अपने घर के हैं, आज हम लोग जब तक हत्यारा को फांसी नहीं देगा, तब तक हम लोग जब आंदोलन जारी रहेगा, मुख्य मार्ग को जाम करेंगे, अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल भी हम कर सकते। अरविंद जी, ये बहुत निंदनीय घटना हुआ है। 18 दिसंबर के दिन में 10वीं की छात्रा बहन संजली का दिन दहाड़े पेट्रोल छिट करके आग लगा करके, क्योंकि 72 घंटा में उनको मृत्यु प्राप्त हो गया। इस पर हम लोग सारे कार्यकर्ता, सारे युवक, पूरे झाझावासी हम लोग इसका निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उसका हत्यारा को पकड़ा जाए और उसे फांसी को दिया जाए। अरे बाबू जी, बड़े दुखद घटना है कि हमारी छोटी बहन संजली कुमारी को हत्या कर दिया, निर्मम हत्या हुई है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे हत्यारे को जल्द से जल्द सजा मिले। आज हमारे झाझा के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की हमारे सारे संगठन मिलके ये कैंडल मार्च हम लोग अम्बेडकर चौक से दुर्गा मंदिर तक आए और अपनी बहन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुमित जी, क्या कहना है? मैं आज आप लोग के सामने एक चीज़ बता रहा है, दिन प्रतिदिन बलात्कार जैसी गंदगी पूरा देश भर में लोग रोजाना, आज हम लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, नेटवर्किंग के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, रोजाना हम लोग देखते हैं ऐसी दुखद घटना जो हर घर में हो रहा है। आज सरकार को एक्शन लेना होगा, सरकार को एक्टिव होना होगा कि ऐसे लोगों को दिन दहाड़े एकदम गोली मार दिया जाए और फांसी चढ़ाने का काम किया जाए। दर्शक को बहुत आक्रोश है दिल में, बहुत आक्रोश। मैं अरविंद जी से बात करना चाहूँगा, क्या कहना? ये हमारे देश और समाज के लिए बेहद शर्मिंदगी करने वाली जो बात है कि हमें लोग शिक्षित हो गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बहुत सारे नारे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी बेटियों का इस तरह का हत्या हो रहा है, इस कहीं ना कहीं सरकार का कमियाँ दिन में दिखाई पड़ती है। तो मैं तो चाहूँगा कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करें लोग। हर एक दिल में एक ही बात, कड़ा से कड़ा कानून तो बना हुआ दर्शकों, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी, गवाह के अभाव में पापी लोग बरी हो जाते हैं। ऐसे में हमारे समाज को भी जागना होगा, बलात्कारियों को सजा देने के लिए, गवाही देने के लिए आगे आना होगा। मैं बात कर रहा हूँ मनोज जी, संजलि के हत्यारे को फांसी देना होगा। ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे देश की आधी आबादी बेटियां होती है, माँ होती है, जो हमारे देश की दिशा और दशा को तय फोटो रखे सामने, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं दिन प्रतिदिन रेपिस्ट लोग खुलेआम रेपिस्ट करते हैं, फिर तेजाब छिड़क के फिर अपने आबरू बचाने के लिए वो या तो पेट्रोल में जल के मर जाती है और या तो फिर उसे मार दिया जाता है अपने साक्ष्य मिटाने के लिए। क्या कहना आपका? संजलि को हत्यारे को फांसी देना होगा, संजली को हत्यारे को फांसी देना होगा। अगर हत्यारे अगर खुलेआम घूमेगा तो संजली कितना, संजली को संजली हत्यारे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संजली हत्यारा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हत्यारे को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। सभी लोगों की जुबान पर एक ही बात, संजली के हत्यारे को फांसी दो। अब देखना ये है कि हमारी भारत सरकार और वहाँ की राज्य सरकार क्या एक्शन लेती है। दैनिक लाइफ 24 के लिए जम्मू झाझा से ये बहुत ही मार्मिक रिपोर्ट।